दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं दोस्तों, आप लोग का फेसबुक पेज अगर डीएक्टिव कर दिया था उसको दोस्तों आप लोग अगर दोबारा रिएक्टिव करना चाहते हैं या आप लोग उस पेज को फिर से चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं आप लोग अपना फेसबुक पेज को कैसे दोबारा रिएक्टिव कर पाए। इससे पहले दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग को हम लेकर चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पर। जिस आईडी का पेज को रिएक्टिव करना चाहते हैं उस आईडी को आप लोग पहले फेसबुक पर जाके लॉगिन कर लीजिए। जब दोस्तों आप लोग का फेसबुक आईडी देकर लॉगिन हो जाएंगे फेसबुक पर, उसके बाद दोस्तों आप लोग फेसबुक को ओपन कर लीजिए। इसी तरह एक डैशबोर्ड आप लोग का सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे प्रोफाइल का ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का सामने इसी तरह और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो सेटिंग है, सेटिंग का ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। सेटिंग का ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का सामने यहाँ पे और एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग स्क्रॉल कर देंगे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये है पेजेस। आप लोग दोस्तों इसका ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का सामने यहाँ पे और एक पेज आ जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इस व्यू ऑप्शन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर दोस्तों जब आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का सामने यहाँ पे आप लोग जितना पेज डीएक्टिव किया था सारे पेज आप लोग का यहाँ पे शो हो जाएगा, इस आईडी में जितना पेज डीएक्टिव हुआ था। तो दोस्तों आप लोग जिस पेज को रिएक्टिव करना चाहते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है रिएक्टिव करके ऑप्शन। दोस्तों आप लोग इसका ऊपर टिक कर देना है। इसका ऊपर दोस्तों जब आप लोग टिक कर देंगे आप लोग का सामने ये पेज रिएक्टिव होके ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर से दोबारा आप लोग इसमें वीडियो अपलोड करके आप लोग न्यू जैसे पेज चलाते थे चला पाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी आप लोग को दिखा दिया है, समझा भी दिया। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो इतना तक है।